दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारे पास उपलब्ध है एक माइक्रोटेक का यूपीएस, जो कि इसका मॉडल नंबर है EB900। यहाँ पे EB900 आज हमारे पास एक उपलब्ध है। इसकी समस्या ये है, इसको जैसे हम बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, उसके बाद इसमें एम्पियर आना स्टार्ट हो जाता है और स्पार्किंग होती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, उसके बाद दोस्तों हमने अपने यूपीएस को ओपन कर लिया है और यहाँ से मैंने अपनी बैटरी जो माइनस वाली वायर होती है इसको मैंने थोड़ी साइड में कर दी है और यहाँ से मैंने एक वायर जोड़ ली है ताकि हमारी पीसीबी अच्छे से उलट के हम चेक करना चाहें कि कौन सा हमारा फॉल्ट है किस तरीके से। तो आसानी के साथ हमने यहाँ से एक बैटरी माइनस वायर अलग से ऐड कर दिया है ताकि हम पीसीबी को अच्छे से उलट के भी चेक कर सकें कि हमारा फॉल्ट कहाँ से है। तो चलिए एक बार कनेक्ट करके उसके बाद चेक करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने अपनी जो निगेटिव वायर है बैटरी की, यहाँ से मैंने इसको कनेक्ट कर दी है और जो ये हमारा पॉजिटिव वायर होता है उससे मैं अभी आपको चेक करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं, आपको थोड़ा पास से दिखाना चाहेंगे, ये देख सकते हैं इस तरीके की स्पार्किंग होती है और ये हमारा एम्पियर मीटर जो कि लगा हुआ है यहाँ पे, अभी आप देख सकते हैं इसमें एम्पियर भी आ रहे हैं, ये देखें इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने अपने मॉस्फेट को भी चेक कर लिया है, मॉस्फेट की यह फॉल्ट नहीं है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको चेक करना है। तो उसके लिए आप अपने मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज में कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पर अपने मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज में सेट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका एक डायोड लगाया गया है जो कि 304 इसका नंबर होगा, आप यहाँ पे इसको चेक कर लें, बीप आएगी तो आपका ये डायोड ख़राब है, इसके वजह से आपके एम्पियर आ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको मल्टीमीटर को सेट कर ही लिया है। उसके बाद हम चेक करते हैं कि हमारा कौन सा डायोड कौन सा ख़राब है। तो यहाँ पर आपका एक दो लगा होगा, एक इस साइड में एक इस साइड में, आपको दोनों पे चेक करना है कि आपका कौन सा ख़राब है। तो चलिए चेक करते हैं कि हमारा कौन सा दो लगे होंगे। आपके अगर एक भी ख़राब हो जाएंगे तब भी आपका इस तरीके का एम्पियर आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा बीप आ रहा है, यानी कि ये हमारा जो डायोड है ये शॉर्ट हो गया है। तो अभी इसको हम चेंज करेंगे, उसके बाद अभी हम चेक करते हैं कि हमारा फॉल्ट जो है क्लियर होता है। ये दोनों पे हमारी शॉर्टिंग आ रही है, यानी ये हमारा डायोड ख़राब है। तो अभी हम इसको चेंज करते हैं, उसके बाद चेक करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरा एक ही जो डायोड था ये हमारा देख सकते हैं आप, हमारा केवल यही ख़राब था, एक ही ख़राब था, जो कि आपको दोनों साइड में चेक करने हो सकता है वो दूसरा भी शॉर्ट हो। तो मैंने इसको कट करके चेक किया, तो हमारा ये यहाँ से मैंने जब इसको कट कर लिया उसके बाद इसको चेक किया तो हमारा यही केवल शॉर्ट था, ये शॉर्ट नहीं था। तो मैंने इसको चेंज कर दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको दूसरा लगा दिया है। अब उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारा अपर सही हुआ कि नहीं। तो उसके लिए यहाँ से मैंने अपनी निगेटिव कनेक्ट ही कर दी थी पहले से ही, जो कि अभी भी कनेक्ट है, और पॉजिटिव से अभी हम चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं नहीं रहा था, यहाँ से मैं आपको पकड़ के दिखा रहा हूँ। अब देख सकते हैं हमारा यूपीएस ऑन हो गया है, यहाँ से डिस्प्ले में यूपीएस हमारा ऑन है। अभी मैं आपको आउटपुट चेक करूँगा। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने आउटपुट भी, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा आउटपुट भी ऑन हो गया है, जबकि अब हमारा कोई एम्पियर नहीं, जितना ये हमारा लोड है लोड वाला बता रहा है, अब यहाँ पर हमारा कोई एम्पियर नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप भी फॉल्ट को ठीक कर सकते हो। आज की वीडियो बहुत छोटी सी रही, तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पे अभी हमारे आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, और जो लोग किए हुए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद।
तो मिलते हैं किसी और नए फॉल्ट और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।